मैं मयंका शर्मा ला रही हूँ आपकी कक्षा आपके घर। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी सीखना कितना जरूरी है। जहाँ भी हम कोई भी अगर प्रोडक्ट देखें, कुछ भी सामान खरीदें, बैंक जाएं, या फिर हम कोई भी आजकल काम करें ना, उसमें अंग्रेजी भाषा का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। तो वैसे आप किताबों में भी हम लोग कोशिश, जो भी आपकी सिलेबस की बुक्स होती हैं, कोशिश होती है कि उनके माध्यम से आप सीखें। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि जो हिंदी के शब्द होते हैं उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। हिंदी के शब्द का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सूरज, ठीक है, तो अब हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। वैसे जो सूरज, जो चमकता है सूर्य, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन। सन मीन्स क्या होता है, सूरज। तो अब अगर किसी का नाम सूरज है तो उसको हम सन थोड़ी ना बोलने लगेंगे, उसको हम सूरज ही बोलेंगे, है ना। सन, सन तो जो हमारा ऊपर आसमान में चमकता है, उसके लिए जब हमें बात करनी होती तो हम बोलते हैं उसकी इंग्लिश क्या है, सन। लेकिन अगर किसी का नाम है सूरज तो अब हम उसको लिखेंगे, सूरज ही लिखेंगे, तो सू आर ए और जे, सूरज, तो हम उसको लिखेंगे सूरज। तो इसी तरह से आज हम बताएंगे जो हमारे हिंदी के शब्द होते हैं, किसी के नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, या कुछ और भी शब्द आ जाते हैं, कि उनको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में अगर कोई पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं जो सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए। एक तो हमें ये आना चाहिए कि हमें आ से जो ज्ञातक हमारी होती है उसको हमें इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं। जैसे आ को हम ए लिखते हैं, बड़े आ को डबल ए लिखते हैं, छोटी ई को आई लिखते हैं, बड़े ई को डबल ई लिखते हैं, ऊ को यू लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ से देखिए, का से के बनता है, खा से केएच बनता है, गा से जी बनता है, घा से जीएच बनता है। इसी तरह से ये देखिए सारे लिखे हैं। तो अगर आप नया नया सीख रहे हैं, जो भी बच्चे हैं या जो भी हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि ये जो आपकी आ से ज्ञातक है, इसको आप जो इंग्लिश में अक्षर बनते हैं वो आपको आने चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि हिंदी में जो आ से लेके आहा तक, ये क्या है हमारी, यहाँ तक मात्राएं होती हैं, ठीक है, तो इन्हीं से हमारी मात्राएं, जैसे छोटे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रिर की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अं की मात्रा, आ की। तो यहाँ तक हमारी क्या होगी, मात्रा, ठीक है। तो आ की मात्रा से ए बनेगा, बड़े आ की मात्रा से डबल ए बनेगा, छोटी ई की मात्रा से आई बनेगी, बड़ी ई की मात्रा से डबल ई बनेगी। तो ये यहाँ तक हमारी मात्राओं का हो गया, और बाकी हमारे यहाँ से, ये देखिए माँ से लेके ये ज्ञातक मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। तो अब हम शुरू करते हैं। तो कोई भी हम एक शब्द ले लेते हैं, कोई भी एक नाम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है आपको अमर, अमर, ठीक है। दूसरा एक और नाम लेते हैं, लिखते हैं किरण। एक तीसरा नाम लेते हैं, लिखते हैं नीना। एक और नाम लिखते हैं पूजा, ठीक है। अभी हम ये चार नाम लेते हैं। तो आपको अब क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए कि अक्षर क्या है, ये आ, तो छोटा आ है ये, तो आ से क्या बनेगा, ये देखिए क्या बना हुआ है, ए, तो हमने यहां बना लिया ए, ठीक है। तो क्योंकि आ स्वर है तो उसमें तो कोई अभी यहाँ पे मात्रा नहीं है, तो हमारा बस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मां से, मां से देखिए क्या बना है हमारा,
वहां से एम, बहुत आसानी से ये एक दो दिन में ही याद हो जाएगा, कोशिश करोगे तो। माँ से क्या बना है, एम, तो हमने माँ से बना दिया ये एम, ठीक है। अब देखिए माँ पे किसकी मात्रा है, कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो जब किसी की मात्रा नहीं होती तो उसमें छोटे आ की मात्रा तो होती ही है, तो उससे हमारा बनता है जब कोई मात्रा नहीं है तो यानी कि छोटे आ की मात्रा है, और जब कोई मात्रा ना दिखे तो क्या बनेगा, ए। फिर आया रा, आर, रा से बनता है देखिए आर, तो हमने यहां बना दिया आर। अब यहां भी कोई मात्रा नहीं है लेकिन क्योंकि रा जो है वो आखिरी में है तो इसलिए यहां पे ए नहीं बनेगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये लिख गया है अमर। आगे बढ़ते हैं, तो इसका साफ साफ एक नियम है, सबसे पहले हम अक्षर को देखें कि हमारा कौन सा अक्षर है, फिर दूसरे नंबर पे हम उसकी मात्रा को देखें कि उस पे मात्रा कौन सी है। तो सबसे पहले हमें अक्षर देखना है, तो अक्षर, अब यहाँ पे कुछ जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि छोटी ई की मात्रा यहाँ पहले है, तो वो क्या करते हैं कि पहले आई बना देते हैं फिर के बनाते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये गलत है। मात्रा चाहे पहले हो कहीं भी हो लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पहले हमें अक्षर देखना है, अक्षर है हमारा के, तो यहाँ पे हमने के बना लिया। अब हम आते हैं कि इस पे देखते हैं मात्रा कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई से देखिए हमारा क्या बना हुआ है, आई, छोटी ई से आई, तो हम यहाँ बना लेंगे आई। अब देखिए ये रा है, तो रा से हमारा है आर, तो रा से हमने बना दिया आर। अब फिर रा पे मात्रा देखो, मात्रा कौन सी है, कोई मात्रा नहीं है यानी कि छोटे आ की मात्रा है, छोटे आ से बनता है ए, तो हमने बना दिया यहाँ पे ए। अब देखिए ये ना है, ना से क्या बनेगा, एन, ना पे भी कोई मात्रा नहीं है तो छोटे आ की मात्रा है लेकिन क्योंकि आखिरी में है तो हम ए नहीं बनाना है, आखिरी वाले में ए नहीं बनाना है, तो ये हमारा देखिए लिखे किरण। अब ये देखिए तीसरा आता है मीना, तो हमें क्या है, दो नियम वही हमें हमेशा अप्लाई करने हैं, सबसे पहले अक्षर देखना है, दूसरे नंबर पे मात्रा, तो सबसे पहले अक्षर क्या है, माँ, तो माँ से क्या बनता है, एम। अब देखिए मात्रा कौन सी है, बड़ी की, बड़ी ई से देखिए क्या बनता है, डबल ई, तो हमने यहां पे लिख दिया डबल ई, तो हो गया ये नी। अब ये देखिए नाम, ना से एम, और ना पे बड़े आ की, बड़े आ का बनता है तो बड़े आ से डबल ए बनता है, और यहां ए भी बना सकते हैं लेकिन आखिरी में ए ही बनाते हैं, मी ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो वही हमारा दो नियम हमेशा याद रखने हैं, सबसे पहले हमें अक्षर देखना है, दूसरे नंबर पे हमें उसकी मात्रा देखनी है, तो अक्षर क्या है, पा, तो हमने पी बना दिया, पा से पी। मात्रा आप चेक करते हैं दूसरे नंबर पे किसकी है, बड़े ऊ की, बड़े ऊ से देखिए क्या बना है, डबल ओ, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे डबल ओ। अब ये है जा, जा से जे, मात्रा किसकी है, बड़े आ की, तो बड़े आ से क्या बनता है, डबल ए, लेकिन अगर आखिरी में है तो हम बनाएंगे केवल ए, तो ये लग गया ऊ जा। तो इस तरह से हमने देखा, बहुत ही आसान होता है,
रे खा, और लिखते हैं रौनक, रौनक, और लिखते हैं चंदा। ठीक है, तो ये हमने तीन शब्द हमने फिर से लिए। एक और हम जगह का नाम ले लेते हैं कहीं का, कानपुर, कानपुर। ठीक है, तो अब हम इसको लिख के देखते हैं। तो वही दो नियम हमें याद रखते हैं, पहला क्या अक्षर और दूसरा क्या मात्रा। तो पहला हमने लिया है अक्षर, क्या है रा, तो रा से क्या बनेगा आर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आर। ओके, अब हम मात्रा देखेंगे, इस पे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए से क्या बना हुआ है, ये देखिए ए है और ए से बना हुआ है ई, तो ए से हम बना देंगे ई। अब आगे बढ़ते हैं, अक्षर देखेंगे सबसे पहले खा, खा से क्या बना है के एच, तो खा से बनाएंगे हम के एच। खा आका, आका डंडा है, इसमें बड़े आ से डबल ए होता है, लेकिन अगर आखिरी में है तो हम केवल ए बनाएंगे। ठीक है, तो ये लिखिए, देखिए रे खा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए रो नक, तो वही दो नियम याद रखने हैं, पहले अक्षर दूसरी मात्रा। तो पहले अक्षर देते हैं रा, रा से है आ, फिर ये है देखिए मात्रा किसकी है, औ की मात्रा, औ की मात्रा, औ से देखिए क्या बना है, औ, औरत से क्या बना है ए यू, तो हम यहां बना देते हैं ए यू, तो ये हो गया रा 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 औ रौ, और यहाँ पे फिर क्या है ना, ना बना दिया है। ना पे कोई मात्रा दिख रही है, कोई नहीं है, यानी कि छोटे आ की मात्रा है, तो हम ए बना देंगे। का से के, का पे भी कोई मात्रा नहीं है, ए बनना चाहिए लेकिन आखिरी में है तो ए नहीं बनेगा, नहीं तो हो जाएगा रौनका, है ना। तो अब ये हो गया रौनक। अब आगे बढ़ते हैं चंदा, तो देखिए सबसे पहले क्या है अक्षर और दूसरे नंबर पे है मात्रा, तो पहले है अक्षर चा, चा से देखिए क्या बना हुआ है, ये देखिए सी एच, चा से क्या बना है सी एच, तो हम बनाएंगे यहाँ पे सी एच, सी एच। अब चा, सी एच, चा पे कोई मात्रा है नहीं है तो ए बनेगा। अब उस पे देखिए चन, चा के बाद में देखिए चंदा ऐसे भी लिखते हैं और हम आधा ना भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लग सकते हैं, तो देखिए चा के बाद में हमारा चा बन गया, फिर आधा आधा ना, आधा ना से क्या बनेगा एन। देखिए पूरा नाम होता है तो उसमें हम क्या करते एक ए और जोड़ देते तो हमारा ना हो जाता, तो चन दा, तो यहाँ हम बनाएंगे डी और बड़े आ की मात्रा से ए, चंदा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं कानपुर, तो वही आपको याद रखना हमेशा का से पहले अक्षर फिर मात्रा, तो का से क्या बनाएंगे के, का पे मात्रा देखिए बड़े आ की है, बड़े आ से होता है डबल ए, लेकिन हम ए भी बना सकते हैं, डबल ए भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ए बनाएंगे कानपुर में ए। मोस्टली अब डबल ए का जो प्रचलन है वो खत्म हो गया है, बड़े आ की मात्रा से ए ही बनाते हैं सभी लोग, तो कान, और फिर क्या है पुर, टी यू आर, देखिए पा से बनता है पी, छोटे ऊ की मात्रा से देखिए छोटे ऊ की मात्रा से यू, और रा से आर, रा पे कोई मात्रा नहीं है, आखिरी में है तो ए नहीं लगेगा, तो हो गया कान, कानपुर।